नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। आईएएस तपस्या परिहार अपनी शादी में कन्यादान नहीं कराने को लेकर चर्चा में है। एक बातचीत में उन्होंने कहा कि कन्यादान शब्द ही बुरा लगता है, बेटियां दान करने की चीज नहीं होती। तपस्या सेंधवा एसडीएम हैं और नरसिंहपुर के जोवा गांव से हैं। दरअसल यह अचानक लिया गया फैसला नहीं था। तपस्या ने 12 दिसंबर को आईएफएस ऑफिसर गर्वित गंगवार से शादी की है। गंगवार तमिलनाडु कैडर से थे। 26 नवंबर को उन्हें मध्य प्रदेश कैडर मिल गया। आईएएस तपस्या परिहार ने अफसर बनने और कन्यादान जैसी रस्म को ठुकराने पर बात की। तपस्या ने कहा कि मेरा दान कोई कैसे कर सकता है, भले ही वह मेरा परिवार है पर उन्हें ये भी अधिकार नहीं है कि वो मुझे किसी को दान कर दे। कन्यादान के पीछे की सोच से ही परेशानी है। जहां तक मैं इस बारे में सोच और समझ पाई हूं कि इसके पीछे का ख्याल ये रहता है कि कन्या को एक परिवार से दूसरे परिवार को सौंपा जा रहा है। मैं कैसे अपने परिवार को छोड़ दूँ और उस परिवार को ही अपना परिवार मानूँ। मैं तो दोनों परिवारों को नहीं छोड़ने वाली हूँ। वहीं बचपन से जब बातें समझ में आने लगी तो घर वालों से कन्यादान के बारे में बात करनी शुरू की। शादी में इस तरह क्यों होता है कि बेटियां बड़ी हुई तो उन्हें अपने ही परिवार से रिश्ता तोड़ना पड़ता है, यह सही नहीं लगता था। शादी का समय आया तो मैंने गर्वित और उसके परिवार वालों से बात की, उन्होंने भी हामी भर दी। मेरे घर वाले पहले से तैयार थे, यह बहुत ही पर्सनल डिसीजन था। हमें लगा नहीं कि कोई परंपरा तोड़ रहे हैं। हमारी शादी है, हमारे परिवार वाले राजी हैं, हमें जिस तरीके से जो रस्में करनी हैं वैसा किया। पहले तो शादी ही नहीं करना चाहती थी पर गर्वित से मुलाकात के बाद नजरिया बदल गया। वहीं मेरे परिवार वाले तो पहले से तैयार थे। दादी देव कुमार परिहार का मानना था कि कन्यादान किया जाए। शादी के दौरान पंडित जी भी कन्यादान की रस्म कराना चाह रहे थे, लेकिन जब पंडित जी को बताया गया कि ये रस्म नहीं करनी तो वो भी मान गए। मेरे इस फैसले का कई लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा है। पॉइंट ये है कि ये मेरी शादी थी, मैं कहीं जाकर किसी को भाषण नहीं दे रही थी कि ऐसा करो, अपने विचारों के लिए स्वतंत्र हैं आप। शादी के बाद मायके में रिसेप्शन भी एक नई पहल ही थी। सोचा नहीं था कि इस बारे में भी लोग क्या कहेंगे। हमारी शादी पचपड़ी में 12 दिसंबर को बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के बीच हुई थी। बहुत से ऐसे लोग थे जिनके साथ हम शादी की खुशी शेयर करना चाहते थे, इस कारण गांव में रिसेप्शन रखा गया। मेरी विदाई की रस्म भी कमरे से पापा कमरे तक हुई। हमारा संयुक्त परिवार है, पापा और चाचा के हम 5 भाई बहन हैं। तपस्या ने बताया कि उनकी स्कूल करेल स्थित सरस्वती सेतु मंदिर से हुई। 8वीं से इंटरमीडिएट तक केंद्रीय विद्यालय नरसिंहपुर में चाचा चाची और दादी के साथ रहकर पढ़ी। लॉ की पढ़ाई करने के लिए पुणे चली गई। 5 साल का कोर्स पूरा कर दिल्ली में तैयारी करने चली गई। दूसरे ही प्रयास में 2017 में 23वीं रैंक के साथ चयन हो गया। परिवार में नौकरी करने वाली मैं पहली सदस्य हूँ। हल्द्वानी के रहने वाले आईएफएस अधिकारी गर्वित गंगवार से मुलाकात 2018 में मसूरी में ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। चॉइस थी, पर्सनल डिसीजन था कि जैसा कि मैंने पहले भी इस तरह का स्टेटमेंट यही दिया है कि बचपन से हम लोग जब थोड़ा सा समझ आई तो घर वालों से बात करते थे, डिस्कस करते थे कि ये शादी में इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं। घर हम लोग जिस परिवार में पले बढ़े, जिसने पाल पोस के बड़ा किया, आज मैं बेसिकली जो कुछ भी हूँ जिस परिवार की वजह से हूँ उसी से मुझे मतलब एक तरह से रिश्ता तोड़ना पड़े, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ऐसे अनजस्ट टाइप की लगती थी कि ये सही नहीं है, कुछ तो इसमें गलत है। मैंने पहली बात तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और मैं चाहती भी नहीं थी कि कोई ऐसे न्यूज़ बने इस चीज़ की, बट जब ये हो गया तो फिर मैंने भी इसीलिए स्टेटमेंट दिया कि क्लैरिटी रहनी चाहिए, कहीं कुछ और गड़बड़ लोग ना सोच लें इस चीज़ को लेकर। सबसे बड़ी उसमें ये एक जो शब्द जो है ना, उससे थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता था कि कन्या का दान कैसे कर सकते हैं, या फिर मेरा दान कैसे कर सकता है कोई भी, भले ही वो मेरा परिवार हो, मेरे पेरेंट्स हो, बट मुझे नहीं लगता कि उनको भी ये अधिकार है कि मुझे दान कर दें किसी को। मुझे ऐसे लगता है कि जो इसके पीछे ख्याल है कि एक परिवार से जो पाला पोसा जिसने, उससे दूसरे परिवार को सौंपा जा रहा है आपको, तो आई थिंक अभी तो इतनी इंडिपेंडेंस है और कभी भी ऐसा होने वाला नहीं है कि मैं इस परिवार को छोड़ दूं और इस परिवार को ही सिर्फ अपना परिवार मानूं, दोनों मेरे परिवार हैं। हाँ, पर हम लोगों ने नहीं सोचा। उसने कहा कि मुझे कन्यादान नहीं करना, मैं आपकी बेटी हूँ, क्यों मेरा दान करें। वो भी सही है उसने जो कहा, उस पर हमने सोचा, बिल्कुल सही कहा उसने, हमें कुछ गलत नहीं लगा उसमें, और हमने उसको यानी फोर्स भी नहीं किया, उसने जो कहा सही लगा उसका हमने माना। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।
खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।